नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, करंट अफेयर। यदि एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वो आज वाले टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। आज का टॉपिक है क्या कि आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा के अंदर जो मंत्री परिषद है, हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंत्री है, जिनके पास में कौन कौन सा पद है, उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो से पहले जस्ट आप वीडियो देखेंगे उससे, उसमें हमने जिक्र किया था हरियाणा विधानसभा का। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कभी नहीं देखे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने देख रखे थे, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख ले क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। हालांकि हरियाणा विधानसभा भी एक बेहतरीन तरीके से आपको करवाई गई है और आज की जो मंत्री परिषद है वो उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी बुक के अंदर, हरियाणा मंत्री परिषद, हरियाणा की जो मंत्री परिषद है, हम भी डाल लेते हैं यहां पर मंत्री परिषद, या हरियाणा के जो मंत्री है वो मंत्री कहां कहां से विधायक है और उन मंत्रियों के पास में कौन कौन से पद हैं, उनका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट के अंदर हमने बताया था कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें हैं 90 सीटें। लेकिन कभी कभी माइंड के अंदर आता होगा या कभी किसी ने बताया होगा, कभी किसी ने ये बताया होगा कि हरियाणा के अंदर 91 सीटें हैं, तो कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं है, 91 सीटें हैं, 90+1 है। एक जो है वो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राज्यपाल। वैसे यदि प्रॉपर ढंग से बात करें या हरियाणा के अंदर चुनाव कितनी सीटों के ऊपर होता है, तो 90 विधानसभा के ऊपर चुनाव होता है। एक मनोनीत करता है, कौन? राज्यपाल मनोनीत करता है। लेकिन हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ओनली 90 सीटों के ऊपर, 90 जो विधानसभा की सीट है उसके ऊपर। चुनाव हुए अक्टूबर 2019 के अंदर, और जैसे ही 90 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होते हैं अक्टूबर 2019 के अंदर, बीजेपी के खाते के अंदर आई थी कितनी सीटें? 40 सीटें। 40 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर आ गई अक्टूबर 2019 के अंदर, चुनाव हुई तो 40 सीटें बीजेपी के पास में आ गई, और 31 सीटें थी वो कौन से पक्ष में आई थी? कांग्रेस के पक्ष में। उसके बाद में 10 सीटें किसके पास में आई थी? जेजेपी के पास में, जननायक जनता पार्टी के पास में। एक सीट किसके पास में आई थी? हालोपा, याद रखिएगा हालोपा, हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी जिसके संचालक गोपाल कांडा है, हरियाणा लोकहित पार्टी जिसकी एक सीट आई थी, और एक ही सीट कौन सी पार्टी की आई थी? इनेलो की। और निर्दलीय विधायक कितने हुआ करते थे? 7 निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, याद रखिएगा। बीजेपी के पास में 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 31 सीटें हैं, जेजेपी के पास में 10 सीटें हैं, हालोपा के पास में एक है, इनेलो के पास में भी एक है, वो निर्दलीय के पास में भी एक है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें हैं 90, और सरकार बनाने के लिए चाहिए आधी सीटों से एक ज्यादा। कहने का तात्पर्य 90 का आधा कितना हुआ? 45। और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए सीट? 46। लेकिन 46 सीट तो इनके पास में, किसी भी पार्टी के पास में नहीं है 46 सीट। तो अब की बार जो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है वो बीजेपी ने किसका सहयोग लिया है या किसका समर्थन प्राप्त है? बीजेपी को जजपा का समर्थन प्राप्त है, जेजेपी का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी और जेजेपी ने आपस में मिलकर सरकार बनाई है। निर्दलीय विधायक भी किसके पक्ष में थे? बीजेपी के पक्ष में थे, बीजेपी के साथ है। और उन निर्दलीय विधायकों में से एक निर्दलीय विधायक है जो रानिया सिरसा से है, जिसका नाम है रणजीत सिंह, उसको कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया है। उनका डिस्कशन इसके आगे हम करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार बनाने के लिए सीटें जो चाहिए 46 सीट, 46 सीट किसी भी पार्टी के पास में नहीं थी, लेकिन हरियाणा की जो सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई थी वो बीजेपी थी, जिसके पास में 40 सीटें थी, और बीजेपी ने जजपा के साथ में मिलकर, जेजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई है। निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है, किसको? बीजेपी को। अब ये देखते हैं कि हरियाणा का जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के अंदर कौन किस व्यक्ति को कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है और वो मंत्री कहां से विधायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में बहुमत दल का नेता कौन है। देखिए, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। तो वर्तमान में विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के सीएम है। फर्स्ट जो पॉइंट है,
मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, ये हरियाणा विधानसभा में बहुमत दल के नेता है। और मनोहर लाल खट्टर का जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वो कौन सा है? करनाल। विधानसभा चुनाव क्षेत्र इनका कौन सा है? करनाल। और इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से विभाग है? तो याद रखिएगा वित्त विभाग, याद रखिएगा राजस्व विभाग, और कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, जल साधन, जल संसाधन, सूचना व प्रौद्योगिकी। देखिए साथ के साथ में नोट कर लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं बाद के अंदर, पहले आप देखें उसके बाद भी एक स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट में सभी पॉइंट आ जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा विधानसभा में बहुमत दल के नेता है, इनका चुनाव क्षेत्र करनाल है, इनके पास में वित्त विभाग, कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, जल साधन, जल संसाधन और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के दूसरे बार सीएम बने हैं, इनका जन्म 5 मई 1954 को निदाना खास रोहतक में हुआ था। 1954 के अंदर निदाना खास रोहतक में हुआ था, याद रखिएगा, जो एक पंजाबी समुदाय से संबंधित है, याद रखें। और चुनाव लड़ा है कहां से? करनाल से। अब नाम आता है दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है। ये हमने बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन कौन से नंबर के हैं, ये आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियो के अंदर जाकर देखिएगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अंदर। उप मुख्यमंत्री के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री है, ये आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। वैसे हमने ये बता रखा है कि कौन कौन से बने थे हमारे पास में उप मुख्यमंत्री, और लिस्ट भी जारी की थी हमने, उसमें आपने देखा भी होगा, लेकिन हम दुष्यंत चौटाला का पूछ रहे कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के संरक्षक हैं, एक तरीके से जेजेपी के अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, और इसी जेजेपी ने किसका समर्थन किया? बीजेपी का। और बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को कौन सा डिपार्टमेंट दिया था? डिप्टी सीएम का, याद रखिए, कौन सा पद दिया था? डिप्टी सीएम का पद। अब ये देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला विधायक कहां से, दुष्यंत चौटाला जो विधायक बने हैं वो कहां से बने हैं? तो आप याद रखिएगा उचाणा कला, दुष्यंत चौटाला विधायक बने हैं उचाणा कला से। और उचाणा कला कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा जींद की एक विधानसभा सीट का नाम है उचाणा कला। और दुष्यंत चौटाला उचाणा कला, दुष्यंत चौटाला के पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? राजस्व व आपदा प्रबंधन, राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी और कर, आबकारी और कर, विकास एवं पंचायतें, विकास एवं पंचायतें, उद्योग, श्रम व रोजगार, नगर विमानन, सार्वजनिक निर्माण। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो भी क्वेश्चन बताएंगे हम, ये वीडियो आप लगातार लास्ट तक देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हम पूरे दावे के साथ में कह सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, तो उनका भी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दुष्यंत चौटाला के पास में राजस्व व आपदा प्रबंधन, आबकारी व कर, विकास व पंचायतें, उद्योग, श्रम व रोजगार, नगर विमानन, सार्वजनिक निर्माण, ये दुष्यंत चौटाला के पास में डिपार्टमेंट है। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का एक मंत्री है जिसका नाम है अनिल विज, और ये हरियाणा का गब्बर बताया जाता है। हरियाणा का जो गब्बर मंत्री बताया जाता है वो कौन है? अनिल विज है। अनिल विज कहां से विधायक है? अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से विधायक है अनिल विज। अंबाला के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से एक सीट है अंबाला कैंट, वहां से विधायक है अनिल विज। अनिल विज के पास में गृह मंत्रालय पड़ता है, अनिल विज के पास में, वैसे हालांकि गृह मंत्रालय होता है किसके पास में? मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब की बार किसको दिया है? अनिल विज को, गृह मंत्रालय। उसके बाद में नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, याद रखिएगा नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा, ना कि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष मंत्रालय और विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय, याद रखिए। देखिए अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक है जिसके पास में गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय है, किसके पास में? अनिल विज के पास में। उसके बाद में नाम आता है, ये सभी, ये अनिल विज जी जो है ये कैबिनेट मंत्री है, कौन से मंत्री है? कैबिनेट मंत्री, हरियाणा कैबिनेट के अंदर मंत्री है। उसके बाद में नाम आता है कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर जो जगाधरी से विधायक है। कल भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि हरियाणा में एकमात्र रेल कार्यशाला जगाधरी के अंदर है, रेल कार्यशाला जगाधरी के अंदर है,
और वो जगाधरी रेल कार्यशाला 1952 के अंदर बनी थी 1952 में, और उसी जगाधरी से विधायक कंवर पाल गुज्जर जो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे। हरियाणा विधानसभा है अब की बार 14वीं विधानसभा चली हुई है, लेकिन पिछले वाली जो 13वीं विधानसभा थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कंवर पाल गुज्जर, जो जगाधरी से विधायक थे और अब भी है, जिसके पास में शिक्षा, वन, पर्यटन, संसद कार्य अतिथि मंत्रालय है, संसदीय कार्य अतिथि मंत्रालय, याद रखिएगा, कंवर पाल गुज्जर के पास में शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य अतिथि मंत्रालय किसके पास में है, तो आप याद रखिएगा कंवर पाल गुज्जर है, ना कि कृष्ण पाल गुज्जर तो सांसद है, कहां से, फरीदाबाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, कौन सा, फरीदाबाद, किसके सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। देखें उसके बाद में नाम आता है किसका, मूलचंद शर्मा विधायक है बल्लभगढ़ से, मूलचंद शर्मा जो विधायक है वो बल्लभगढ़ से है, और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता, फरीदाबाद में, और बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने, तो ये चीजें आपके माइंड में रहना चाहिए सदा के लिए। मूलचंद शर्मा जो कहां से विधायक है, बल्लभगढ़ से, बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में, और ये इनके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा मंत्रालय है वो देखें, परिवहन मंत्रालय, खनन मंत्रालय, कौशल विकास, कला व संस्कृति मंत्रालय, कला व संस्कृति, कौशल विकास, खनन और परिवहन मंत्रालय इनके पास में पड़ते हैं, मूलचंद शर्मा के पास में, जो बल्लभगढ़ से विधायक है। उसके बाद में नाम आता है रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह है ना, ये है भाई निर्दलीय विधायक, रणजीत सिंह निर्दलीय विधायक है रानिया से, लेकिन इसको हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनाया गया रणजीत सिंह को, जो रानिया से निर्दलीय विधायक है, और इनके पास में डिपार्टमेंट भी काफी अच्छे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो देखें, ऊर्जा, नवीन व अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, याद रखिएगा ऊर्जा, नवीन व अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और सबसे जो अहम है ना वो है जेल मंत्रालय, याद रखिएगा एग्जाम में यदि पूछेगा तो यही पूछेगा कि जेल मंत्री कौन है हरियाणा के, तो आपने याद रखना है रणजीत सिंह है, ये हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद में नाम आता है कैबिनेट मंत्री में बनवारी लाल, हरियाणा में जो कैबिनेट मंत्री का नाम आता है बनवारी लाल, जो बावल से विधायक है, और बावल जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा बनवारी लाल बावल से विधायक है, और इनके पास में मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा सहकारिता मंत्री या सहकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, और सहकारिता मंत्री हरियाणा के कौन है, डॉक्टर बनवारी लाल, तो याद रखिएगा, जो कहां से विधायक है, बावल से, तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद नाम आता है जेपी दलाल, या आप कह सकते हैं जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश दलाल है, ये कहां से विधायक है, लोहारू कहां पर पड़ता है, भिवानी के अंदर पड़ता है जेपी दलाल, जिसके पास में काफी अहम मंत्रालय है, जिसमें नाम आता है कृषि मंत्रालय, जो है कृषि मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल है, पहले कौन हुआ करते थे, ओपी धनखड़, इससे पहले जो हुआ करते थे वो ओपी धनखड़ थे, जो बादली से विधायक थे, लेकिन चुनावों में हार गए और जयप्रकाश दलाल को कृषि मंत्री बना दिया गया, वो चुनावों में हार गए थे, ये चुनाव जीते हैं तभी तो मंत्री बने, जयप्रकाश दलाल जो लोहारू से विधायक है, जिसके पास में पड़ता है कृषि मंत्रालय, उसके बाद में किसान विकास मंत्रालय, उसके बाद में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन, कानून व न्याय मंत्रालय, याद रखिएगा कानून व न्याय, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, किसान विकास और कृषि मंत्रालय किसके पास में पड़ते हैं, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल के पास में, और ये कहां से विधायक है, तो आप याद रखिएगा कहां से, लोहारू से विधायक है। उसके बाद में ये तो थे हरियाणा के 8 कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा ये कैबिनेट मंत्रियों की सूची पूछे कि वर्तमान में हरियाणा सरकार के अंदर कितने कैबिनेट मंत्री है, तो आप याद रखिएगा 8 कैबिनेट मंत्री, और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा कैबिनेट में कितनी मंत्री है, 8 मंत्री है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट के अंदर कौन महिला मंत्री है, तो याद रखिएगा वर्तमान में कोई भी नहीं है, लेकिन पिछली विधानसभा के अंदर होती थी कविता जैन, और अब की बार इस विधानसभा के अंदर कोई भी कैबिनेट के अंदर मंत्री नहीं है, 8 मंत्री है कैबिनेट में, लेकिन ये याद रखना है महिला मंत्री कोई भी नहीं है। अब नाम आता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, जिसमें नाम आता है ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव, कहां से विधायक है, नारनौल से, कहां पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर, और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी कहां पर है, नारनौल के अंदर, नारनौल के अंदर पड़, नारनौल से जो विधायक है ओम प्रकाश यादव है। जनसंख्या की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट है, हरियाणा की सबसे छोटी जो विधानसभा सीट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, नारनौल है। राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के ओम प्रकाश यादव, जो नारनौल से विधायक है, इनके पास में कौन कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग, याद रखिएगा ओम प्रकाश यादव जो नारनौल से है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग, किसके पास में, ओम प्रकाश यादव। उसके बाद में नाम आता है कमलेश ढांडा, हरियाणा की मंत्री परिषद के अंदर, हरियाणा की मंत्री परिषद के अंदर एकमात्र महिला मंत्री है कौन, कमलेश ढांडा, लेकिन ये जो कमलेश ढांडा है ये राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कमलेश ढांडा कहां से विधायक है, तो कलायत कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कैथल में, याद रखिएगा कलायत कैथल के अंदर पड़ता है, और इसके पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और अभिलेखागार विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय किसके पास में पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कमलेश ढांडा के पास में, कहां से विधायक है, कलायत कैथल से विधायक है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहां से आप याद रख सकते हैं, आसान है, देखें महिला एवं बाल विकास, तो ये महिला को ही दिया गया है, एक महिला मंत्री, एक ही महिला मंत्री कमलेश ढांडा, और उसी को इसी से संबंधित डिपार्टमेंट दिया गया है, महिला है खुद कमलेश ढांडा और उसी को महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित डिपार्टमेंट दिया गया है, इस प्रकार से आप याद रखिए, कभी कभी ये ट्रिक भी, ये छोटा सा सोच है ना, ये काम आएगा, याद रखिएगा। देखिए एक पॉइंट बता देते हैं, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पढ़ने का, जुनून यदि आपने पाल रखा ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उसका तो केवल वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए, नहीं दौर तुम्हारा भी आने वाला है, यदि आप पढ़ेंगे ना तो दौर तुम्हारा भी आएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उसका तो केवल वक्त आया है और तुम्हारा जो पढ़ने वाले है ना तुम्हारा दौर आएगा। तो आप याद रखिएगा आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार बस ये थोड़ा सा सोच ले कि कमलेश ढांडा है, ये एक मंत्री है और हरियाणा सरकार में एकमात्र महिला मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से, राज्य मंत्री कलायत कैथल से, महिला व बाल विकास और अभिलेखागार डिपार्टमेंट इसके पास में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है संदीप सिंह, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह, इनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी सूरमा, संदीप सिंह के, ये संदीप सिंह वही है जिनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है सूरमा, जिसमें दिलजीत दोसांझ अभिनेता है, दिलजीत दोसांझ जो अभिनेता है सूरमा के अंदर, वो सूरमा किसके जीवन पर बनी है, संदीप सिंह, और संदीप सिंह जो विधायक है वो कहां से विधायक है, पेहुआ से, और पेहुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये बताएंगे कि हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र होता था पहले कौन सा, पेहुआ, ये सभी चीजें डिस्कशन करेंगे। लेकिन संदीप सिंह के पास में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो याद रखिएगा खेल व युवा मामले मंत्रालय से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है, संदीप सिंह, और प्रकाशन व मुद्रण,
प्रकाशन व मुद्रण डिपार्टमेंट भी किसके पास में है? संदीप सिंह। खेल व युवा मामले, प्रकाशन व मुद्रण जो मंत्री है वो कौन है? संदीप सिंह है। और अब हरियाणा में नाम आता है लास्ट मंत्री का जो 12वें नंबर के हैं, अनूप धानक। और ये अनूप धानक पिछली बार बीजेपी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब की बार जेजेपी से विधायक है क्योंकि इसने जेजेपी ज्वाइन कर लिया था। याद रखिएगा, अनूप धानक कहां से विधायक है? उकलाणा से। याद रखिएगा, उकलाणा, और उकलाणा जो पड़ता है वो हिसार के अंदर पड़ता है। और उकलाणा से कौन सी पार्टी से विधायक है? जेजेपी से, जननायक जनता पार्टी से। और अनूप धानक के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है? तो याद रखिएगा, पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, और श्रम व रोजगार। श्रम व रोजगार आपने देखा था, यानी दुष्यंत के पास में भी है श्रम व रोजगार मंत्रालय। लेकिन इस जो श्रम व रोजगार मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है अनूप धानक, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, सॉरी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। और ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनूप धानक जो श्रम व रोजगार मंत्रालय इसको दे रखा है, ये किसके साथ में अटैचमेंट है या किसके साथ में जुड़ा हुआ है? दुष्यंत चौटाला के साथ में। अनूप धानक को जो श्रम व रोजगार मंत्रालय मिला हुआ है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, दुष्यंत चौटाला के साथ में। लेकिन एक याद रखिएगा, पुरातत्व संग्रहालय वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी किससे संबंधित है? अनूप धानक से। जो कहां से? उकलाणा से। और उकलाणा जो मंडी है वो कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हिसार में, और सबसे कम विधानसभा की सीटें पंचकुला और चरखी दादरी के अंदर, दो दो विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन हिसार के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो आप याद रखिएगा, 7 सीटें हैं। अब ये आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो मंत्री बने हैं 12 मंत्री है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता होगा कि हरियाणा के अंदर लगभग कितने मंत्री बन सकते हैं? तो याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर लगभग 14 मंत्री बन सकते हैं। ये मैक्सिमम है, 14 मंत्री मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि 90% का 15%, याद रखिएगा, 90% का 15%, 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। और हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 मंत्री। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12। एकमात्र महिला कौन है? कमलेश ढांडा, जो कहां से है? कलायत से। याद रखिएगा, कलायत कैथल से विधानसभा क्षेत्र है उनका। तो ये मंत्री थे। अब हम देखेंगे कि जो एग्जाम में इन मंत्रियों से संबंधित या इनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास में है। वित्त मंत्रालय, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वित्त मंत्रालय किसके पास में है? तो मनोहर लाल खट्टर, या वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा ये आप सारी चीजें वैसे याद रखिएगा। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर से पूछेगा सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास में है। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये सबसे अहम क्वेश्चन निकलते हैं किससे? मनोहर लाल खट्टर से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला से जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा जिसमें नाम आता है श्रम व रोजगार का। दुष्यंत चौटाला से जो संबंधित क्वेश्चन आएगा, श्रम व रोजगार, विकास व पंचायतें व उद्योग, यहां से क्वेश्चन निकलने की संभावना है। एक उद्योग मंत्रालय, श्रम व रोजगार, विकास व पंचायत मंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, दुष्यंत चौटाला है। अनिल विज का तो क्वेश्चन आना ही आना है। अनिल विज का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वर्तमान में गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय किसके पास में रहता है वैसे? हालांकि मुख्यमंत्री के पास में, लेकिन अब की बार किसको दिया गया है? अनिल विज को। तो यहां से क्वेश्चन निकलेगा, और ये क्वेश्चन निकलेगा कि वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। उसके बाद में जो अनिल विज से संबंधित क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा स्वास्थ्य संबंधित और आयुष। ये तो याद रखिएगा, आयुष जो मंत्रालय है वो स्वास्थ्य संबंधित ही है। तो आप याद रखिएगा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह विभाग, ये दो क्वेश्चन अनिल विज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कंवरपाल गुज्जर का क्वेश्चन आएगा, और कंवरपाल गुज्जर के क्वेश्चन में तीनों मंत्री परिषद अहम रोल अपने निभाते हैं। तीनों जो मंत्रालय है वो बहुत अहम रोल निभाते हैं अपना, शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, तीनों से क्वेश्चन आता है। शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय किसके पास में है? कंवरपाल गुज्जर, जो कहां से विधायक है? जगाधरी से। उसके बाद में मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा का एक क्वेश्चन आने की संभावना है, संभावना नहीं, लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इंपोर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, मूलचंद शर्मा, ये हरियाणा के परिवहन मंत्री है। और कहां से विधायक है? बल्लभगढ़। कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर।
उसके बाद में रणजीत सिंह से क्वेश्चन आएगा। रणजीत सिंह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है क्योंकि ये हरियाणा के अंदर निर्दलीय तो विधायक है और निर्दलीय विधायक होने के बावजूद भी इनको मंत्री बनाया गया है रणजीत सिंह को, जो रानिया सिरसा से है। ये रणजीत सिंह जिसके पास में ऊर्जा मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और जेल मंत्रालय है, यहां से क्वेश्चन एक बनेगा सबसे इंपोर्टेंट कि हरियाणा के जेल मंत्री कौन है और हरियाणा के जेल मंत्री से संबंधित क्वेश्चन बनते ही आप बताएंगे रणजीत सिंह। और उसके बाद में डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से है, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग और सहकारिता मंत्री, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सहकारिता मंत्रालय हरियाणा में किसके पास में है, तो बता देना डॉक्टर बनवारी लाल। उसके बाद में पशुपालन व डेयरी विभाग और कृषि मंत्रालय किसके पास में, देखिए कृषि का जो है ना, कृषि मंत्रालय का, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था कि हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है और ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछ सकता है, नो डाउट, याद रखिएगा। तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री है वो जयप्रकाश दलाल है, जेपी दलाल है जो हरियाणा के कृषि मंत्री है। उसके बाद में ओम प्रकाश यादव जिसके पास में सामाजिक न्याय वगैरह है, ये महिला वगैरह से संबंधित तो आप याद रख सकते हैं, कमलेश डाला एक महिला है और इनके पास में महिलाओं से संबंधित डिपार्टमेंट है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा संदीप सिंह से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा के युवा व खेल मंत्रालय, हरियाणा के युवा व खेल मंत्रालय किसके पास में है, संदीप सिंह जो पेहुआ से है। अपने आप में बहुत ताकतवर है भाई, अपने आप में यदि एक बार इनकी जीवनी आप पढ़ के देखना, हकीकत में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको एक संघर्ष की नई सीमा रेखा मिलेगी, एक संघर्ष करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा संदीप सिंह की जब जीवनी आप पढ़ेंगे। एक बार संदीप सिंह की जीवनी नहीं भी पढ़ते हैं तो आप एक बार सूरमा फिल्म देख लीजिए, आपके अंदर एक नया जोश जगेगा। लेकिन जोश जगना और लगातार बरकरार रखना दोनों में फर्क है। एक तो जोश ऐसा होता है कि आपने जोश बनाया कि अभी पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, भाई साहब दिन पे दिन निकल गए ऐसे। और एक जोश ऐसा है कि आपने यदि ठान लिया कि अभी आज से अभी से पढ़ना है तो पढ़ना है और लगातार ये पढ़ना जारी रखना, तो इस प्रकार का जुनून आपको एक नई सोच मिल सकती है। और यदि आप महान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो आप अच्छे पथ पर चलेंगे, ये संभव सी बात है, आप और हम दोनों ही जिसके अंदर शामिल है। तो संदीप सिंह के बारे में यदि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इनकी जीवनी पढ़ें या आप सूरमा मूवी देखें जिसमें दिलजीत जो दोसांझ है वो अभिनेता है, दिलजीत वगैरह, तो आप देख लेना। उसके बाद में नाम आता है अनूप धानक, और अनूप धानक जेजेपी से, उकलाना से, खास पॉइंट बनने की उम्मीद नहीं है लेकिन जेजेपी से है। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जेजेपी के कौन दो मंत्री है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वरना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये हरियाणा का मंत्री परिषद था, कुछ लोगों की विशेष डिमांड थी कि हरियाणा का मंत्री परिषद आपसे करवाएं आप सर, तो हमने ये मंत्री परिषद करवाया है। साथ के साथ में तुरंत इन चीजों को आप नोट करें और यदि नोट नहीं करते हैं तो आपके पास में 2 सेकंड का वक्त है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो वीडियो को बैक करके आप अवश्य देख लें, यदि आप बार बार इन चीजों को देखेंगे तो आप अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। और यहां से क्वेश्चन हम ये पूर्ण दावे के साथ में कह सकते हैं, और आपने यदि पीछे एग्जाम दिया होगा तो आपको भी अवश्य मालूम होगा। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो दुर्गम परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनको पता होता है, किसी ना किसी कारणवश वो रह जाते हैं एग्जाम में, लेकिन उन्होंने हरियाणा के काफी एग्जाम दे चुके हैं, वो उनको पता है कि हरियाणा के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो उनको ये भी पता होगा कि यहां से कितने क्वेश्चन बनने वाले। हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई भी हो जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्री परिषद से, तो मंत्री परिषद आपको याद रहना चाहिए। और आप के माइंड में ये थिंकिंग नहीं रहनी चाहिए कि एक नंबर से क्या होगा, एक नंबर नहीं, जो पॉइंटों में बच्चे रह रहे हैं हरियाणा के अंदर, यदि जो पॉइंटों में रहा है 0.25 से 0.20 से, इस प्रकार जो रहा है ना उससे पूछिएगा एक नंबर की अहमियत क्या होती है, एक नंबर अपने आप में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाता है। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करें, साथ के साथ में लिखें, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। और यदि ये चीजें आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन शेयर रुकना नहीं चाहिए, सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।